किसान भाइयों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं यूनिवर्सिटी डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन टेम्परेट फूड्स में बहुत बड़ा काम करती है और हमारी बहुत बड़ी क्लाइंटेल है। 4 जनवरी को हमने सेल शुरू की और सेल हमारी ये 7 सेंटर्स पे शुरू हुई जो प्रदेश में अलग अलग जगह हैं, जिनमें से 3 हमारे मेन कैंपस में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस, सीड साइंस और मॉडल फार्म। 1 सोलन जिले में ही हमारा KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र कंडा घाट। मशोबरा हमारा सेंटर है, वहाँ शुरू हो गई। किन्नौर में हमारा सेंटर है, वहाँ शुरू हो गई। और कुल्लू में 15 तारीख से शुरू हो चुकी है। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि हम जानते हैं कितना पैसा लगता है जब नर्सरी आप खरीदते हैं, नर्सरी से जब आप पौधा ले जा रहे हैं। हमारा ये रहता है कि हम सारे जो ख़राब पौधे होते हैं, डिजीज्ड होते हैं, किसी भी तरह की उसमें जड़ कम है, उसका पूरा ध्यान रखें। उनको पहले ही हमारी कमेटी है उसको अलग कर देती है। और पौधा ले जाते वक्त ये ध्यान में देने वाली कि उसकी मोटाई बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पौधे की जड़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर पौधे की जड़ें ठीक है, कलम चाहे छूट कम भी ग्रोथ है तो भी वो पौधा फर्स्ट क्लास चलता है, क्योंकि टेम्परेट फूड्स में हम हेड बैक करने का हमारे पास सिस्टम है और वो एपिकल डोमिनेंस पकड़ के बहुत अच्छा उठ जाता है। हम पौधे हैं न केवल प्रदेश को ही देते हैं, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स है, उत्तराखंड को बहुत हम सप्लाई करते हैं, राजस्थान को हमारा जो लो चिल वराइटीज़ है आना, डॉर्सेट गोल्डन, महाराष्ट्र हमारे प्लांट्स जाते हैं, लो चिल पीचीज और जो ये हमारा परसिमन और प्लम है उसके प्लांट्स भी हम आउट ऑफ स्टेट, बहुत डिमांड हमारे पास है। मार्ग हमारी क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी की वजह से ग्राहक हमारे पास आता है। पौधे में ये इम्पोर्टेंट है कि उसकी जड़ें बहुत अच्छी हो, बेहद बढ़िया जड़ें होनी चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं सुंदर जड़ें हैं, ऐसी देखने का ध्यान है। आपको ये देखना है कि ज़मीन से उसकी ग्राफ्ट यूनियन कितनी कहाँ है, ये देखिए कलम लगी है यहाँ, ये कलम यहाँ, यहाँ कलम लगी है ये। और इसका ध्यान जब आप पौधे लगा रहे हैं, पौधे लगाते हुए भी ध्यान रखना है, जब आप गड्ढा में पौधा डालेंगे तो पौधे लगाने के बाद उसको प्रेस करने के बाद कम से कम 4 इंच ये जो पोर्शन है ये ज़मीन के ऊपर रहना चाहिए, बैठने के तोल या बैठने के बाद, ताकि किसी भी प्रकार का जड़ सन इसमें जो कॉलर रॉट है जड़ ना सड़े, क्योंकि अगर ये यूनियन मिट्टी के अंदर हो जाती है तो गलघोटू हो जाता है पौधे को और वो ख़राब हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम जो विशेष ध्यान रखते हैं यूनिवर्सिटी में ये रहता है कि डिजीज्ड किसी भी प्रकार की कोई उसमें बीमारी है, जैसे या देखिए इसमें हेरी रूट लगा है, साथ में बूलिया फिट का भी इन्फेक्शन है, तो ऐसे देखने में बड़ा सुंदर पौधा है मगर ये सब रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारी कमेटी है पूरा स्क्रीन करती है, सेल करने से पहले एक एक पौधा चेक होता है और जो सेलेबल प्लांट्स नहीं है, जो ठीक पौधा नहीं है इस तरह के हैं तो उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अलग अलग किसकी होती है, जैसे इसमें पुअर रूट ग्रोथ है अदरवाइज और अच्छी टेक ऑफ नहीं है, तो ऐसे पौधे भी हमें रिजेक्ट करने चाहिए। कुछ एक में आप देखें कि रूट रॉट से ख़राब हुए होते हैं, बहुत कम जड़ें हैं, तो इनको भी ना लें। अगर आप किसी प्राइवेट नर्सरी में काम से पौधे ले रहे हैं, हम तो देते ही नहीं ऐसे, पर सब जगह इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए नर्सरी लेने से पहले। पौधे लगाते वक्त 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना, एक तो ये कि तौलिया जब आप भरें तो वो कम से कम ज़मीन से, जैसे इस बार सूखा चल रहा है तो कम से कम ज़मीन से 0.5 फुट ऊपर होना चाहिए, 6 इंच, 4 से 6 इंच ऊपर भरें, प्लांटेशन करें, पौधा ठीक से दबाना पड़ता है। और जो आपका ग्राफ्ट यूनियन है वो 4 इंच कम से कम ज़मीन के तल से जो है वो ऊपर रहनी चाहिए। और गड्ढा भरते वक्त आपको 20 से 30 किलो खूब गड़ा सड़ी हुई गोबर की खाद और 0.5 किलो से 1 किलो तक आप सीडलिंग पे काम कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना उस पर निर्भर करता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि ये रूट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खाद है, स्लो रिलीज होता है इसका, तो लंबे समय तक इसकी उपलब्धता रहती है जब तक नीचे अच्छी तरह जड़ों का एस्टेब्लिशमेंट ना हो। और जैसे इस बार सूखा चल रहा है, पौधे लगाने के बाद अगर आप पौधे तुरंत लगाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, कम से कम 4-5 लीटर पानी दे दिया और उस पर मल्च करके उसको फिर 8-10 दिन के बाद अगर बारिशें नहीं होती है तो एक बार फिर पानी थोड़ा सा दें, पर अगर मल्च करेंगे तो अभी जैसे भी बारिश आएगी ही इतना तो क्या होगा, तो उसको आप फिर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है हम नेचुरल फार्मिंग का बहुत बड़ा जो है वो मुहिम शुरू हो गई है, जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग पे काम करना है उनको जो हमारे नेचुरल बायो एजेंट्स है, जैसे माइकोरेजिया की हम बात करते हैं, हमारा जीवामृत की बात करते हैं, तो उसका घोल बना के उसमें डिप करके
पौधा लगा सकते हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी ड्रेंचिंग करके भी पौधा लगाया जा सकता है। तो उनको किसी भी प्रकार की जो रासायनिक खाद है, रासायनिक कोई भी जो इनपुट है वो नहीं डालना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छी तरह प्योर ऑर्गेनिक मोड में, नेचुरल फार्मिंग मोड में आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, मिक्सअप ना करें कि अभी डाल दें फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट भी नहीं डालना चाहिए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। मैं ये बताना चाहूँगा कि पौधे लगाते वक्त भी बड़ा ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि बहुत लंबी लंबी जड़ें हों और उसको भी हम ध्यान, जैसे आप देख रहे हैं एक बहुत लंबी अनयूजुअल जैसी जड़ है, जब इसको लगाएंगे तो ये मुड़ सकती है और मुड़ी हुई जड़ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारे को चाहिए कि रूट वॉल्यूम ऐसी लंबी जड़ों को हम काट दें। ये देखिए आप, इनकी इतनी थिनिंग हम कर सकते हैं, ये जड़ ऊपर को उठी है, इसको हम निकाल सकते हैं और इसके बाद पौधे को गड्ढे में इस तरह, आप देखिए ऐसे ऐसे दबाना नहीं है, पौधा ऐसे नहीं दबाना है, इस तरह जैसे नेचुरल इसकी जड़ें इसी तरह ये रहे कर पाएंगे। ये कलम है यहाँ लगी हुई और कलम देखिए मिट्टी से लगभग ये अभी 6 इंच के करीब ऊपर है। अब जैसे हमने ये पौधा मिट्टी भर दी, इन्होंने मिट्टी भरने के बाद अब इस ऊपर को खींचना है ताकि जो नीचे जड़ें हैं वो बैठ ना जाए, ऐसे ही रहे, और उसके बाद आपको ऊपर खींचते हुए ऐसे दबाना है पौधे को, पाँव से इस तरह ऐसे ऊपर को, मेरा जोर है हाथ ऊपर को है, हाथ पूरा जोर से मैंने रखा ऊपर को कि जिस पोजीशन में मैंने रखा था पौधा उसी में रहे। ये देखिए आप, ये खड़ा नहीं है। अब थोड़ी सी और मिट्टी डालेंगे, इस तरह एक बार थोड़ा सा यहाँ, फिर हल्का सा इसको दबा के अब जो है इसको सूखे में है तो थोड़ा पानी दे सकते हैं और फिर तोलिया बनाएंगे। तोलिया बना के प्रकोप नहीं रहेगा। तो ये इस तरह ये आपका प्लांटेशन का काम होना चाहिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। सब बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाइयों को नव वर्ष शुरू हो गया, तो नव वर्ष की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कामना भी करता हूं कि उनका बागवानी फले फूले और जो उनकी आजीविका है वो बहुत सुदृढ़ी के साथ सुदृढ़ता से आगे बढ़े और पेशा जो है, जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छी तरह फले फूले। धन्यवाद।